मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। वैदिक साधना आध्यात्मिक एवं ज्योतिष केंद्र जूनागढ़ में प्रदीप मेहता की ओर से आप सभी का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। सिंह राशि वालों, हम चाहते हैं कि जीवन में हम जितना परिश्रम करें उतना फल हमें प्राप्त हो जाए, पर ग्रहों के दुष्प्रभाव के कारण अधिकतर ऐसा नहीं होता। कुंडली के कई दोष के कारण हम अपने जीवन में देखते हैं कि बहुत अधिक परिश्रम करने पर भी उतनी अधिक सफलता हमें प्राप्त नहीं होती। सिंह राशि वालों, हमारा प्रयास इसीलिए रहता है क्योंकि हम जानते हैं कि जीवन का मतलब सुख और शांति के साथ समय व्यतीत करना होता है। दोस्तों, फरवरी में क्या आपकी इच्छा पूर्ण होगी? क्या आपको भी वह सब कुछ करने का मौका मिलेगा जो भाग्यशाली लोगों को मिलता है? धन प्रेम परिवार की स्थिति क्या आपके लिए सही रहेगी? इसीलिए सिंह राशि फल का वीडियो को जरा ध्यान से देखिएगा। और हाँ दोस्तों, दिसंबर में सूर्य परिवर्तन के समय मैंने भविष्यवाणी करते हुए कहा था, 14 जनवरी से पहले देश में चमत्कारी रहस्यमय घटनाएं घटित होगी जो नुकसान की संभावनाओं को जन्म देगी। और आप देख भी सकते हैं, उत्तराखंड के जोशी मठ में जो भयानक रहस्यमय चीजें हो रही है और वह मेरी भविष्यवाणी को 100% सही साबित कर रही है। यकीन के लिए ऊपर क्लिक करके वीडियो देख भी सकते हैं। तो आइए जानते हैं सिंह राशि फल फरवरी 2023 कैसा रह सकता है। सिंह राशि वालों, फरवरी महीना आपके लिए महत्वपूर्ण इसीलिए रहने वाला है क्योंकि मकर संक्रांति पूर्ण होते ही 17 जनवरी को शनि देव ने अपनी राशि चेंज की और उसका बड़ा प्रभाव आपके जीवन पर भी होने वाला है, क्योंकि पूरे फरवरी के दौरान आपको ढेर सारा धन मिलेगा। यदि आप व्यापार करते हैं तो व्यापारिक दृष्टि से भी आपको लाभ मिलता रहेगा। 2 फरवरी से ही आपके जीवन में व्यापार में उत्तम सफलता के योग बन जाएंगे। सिंह राशि के जो जातक स्थायी संपत्ति में फरवरी में सुधार चाहते हैं, उनके लिए भी नई संपत्ति खरीदने के योग बन रहे है। 2 फरवरी से 11 फरवरी के बीच महत्वपूर्ण यात्रा का भी योग बन रहा है जो कि आपके लिए लाभ की स्थितियों को पैदा करेगा। परिणाम स्वरूप आप कई बड़े प्रोजेक्ट पर कार्य कर सकते हैं, महत्वपूर्ण सौदे कर सकते हैं, या फिर आप विदेश संबंधित भी कोई बड़ा मसला हल करने में कामयाब रह सकते हैं। जो लोग पिछले 2-3 महीनों से काबिलियत होने के बावजूद भी नौकरी में नहीं चुने जाते थे, या फिर जो प्राइवेट क्षेत्र में कार्यरत है उन्हें अपनी काबिलियत दिखाने का बार बार मौका नहीं प्राप्त हो रहा था, तो अब 7वें भाव में शनि की उपस्थिति आपको अपने विरोधियों पर विजय दिलाएगी। कोर्ट कचहरी जैसे मामलों में अच्छी सफलता प्राप्त करवाएगी। इस वक्त सहकर्मी एवं अधिकारियों को भी प्रभावित करने में कामयाब रहेंगे। 7 फरवरी से जैसे ही बुध ग्रह आपकी कुंडली में 6ठे भाव में पहुंचेंगे, वैसे ही कुछ महत्वपूर्ण अवसर आपके हाथ आएंगे। आपके अधिकार क्षेत्रों में बढ़ोतरी होने लगेगी। व्यापार में सरकारी क्षेत्रों में लाभ मिलेगा। किसी अनजान जगह से अनजान व्यक्ति से महत्वपूर्ण कार्य होगा। जिनके कार्य लंबित पड़े हुए थे उनका निपटारा होगा। सरकार, राज्य या मंत्री से सहायता मिलेगी। यदि आप अपने व्यापार के विस्तार के लिए धन चाहते हैं, लोन चाहते हैं, तो वह भी मिल सकती है। यहाँ तक बुध का गोचर महिलाओं के लिए भी महत्वपूर्ण लाभ लेकर आएगा। प्रियतम का साथ मिलेगा। पति, बॉयफ्रेंड या फिर जो आपके लिए अच्छा सोचते हैं उनका भरपूर सहयोग मिलेगा। आपको प्रमोशन या फिर किसी विशेष व्यक्ति से विशेष लाभ भी मिल सकता है जिनकी शायद आपने उम्मीद भी नहीं की होगी। सिंह राशि वालों, यह सारी स्थिति होने के बावजूद भी फरवरी महीने में राहु आपको चैन से नहीं बैठने देगा, क्योंकि भाग्य भाव में राहु की उपस्थिति विशेष अनुभव करवा सकती है। हाँ, वह आपके छोटे से छोटे काम को बहुत ज्यादा बड़ा बनाकर दिखा सकती है। आपको ऐसा लगेगा कि आपका यह सम्मान दूर दूर तक व्याप्त हो रहा है, या फिर वह भ्रम की स्थिति को भी पैदा कर सकता है।
यदि आप शेयर बाजार सट्टे जुआ एवं कोई लेन देन का कार्य करते हैं तो आपको लग सकता है कि मुझे वहां से बेतहाशा लाभ होने वाला है, लेकिन वह भ्रम की स्थिति हो सकती है। इसलिए फरवरी में स्थितियों को समझने की जरूरत होगी। दोस्तों, 13 फरवरी से जैसे ही सूर्य आपके सप्तम भाव में पहुंचेंगे, वैसे ही आपका शारीरिक सम बढ़ जाएगा। वह जातक जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, शिक्षक है, आविष्कारक है, कृषि क्षेत्र से संबंधित कार्य करते हैं, डॉक्टर है, किसी संस्था के लीडर है या फिर राजनेता है, उन्हें जीवन में बढ़िया मौका यानी कि एक अवसर प्राप्त होगा। आपके पास अधिकार के साथ धन को लेकर भी शुभ समाचार प्राप्त होगी। दोस्तों, 13 फरवरी से लेकर 22 फरवरी के बीच आपको गुप्त एवं आकस्मिक धन लाभ भी मिल सकता है। इसके साथ साथ आपके सप्तम भाव में सूर्य के साथ शुक्र भी स्थित है। वह किसी और महिला या पुरुष मित्र से आपकी बढ़ती दोस्ती से लाभ प्राप्त करवा सकता है। यानी एक प्रकार से समझा जाए तो फरवरी का महीना निजी प्रयासों से सफलता प्राप्ति की ओर इशारा भी करता है। यदि आप एक तरफा प्यार करने लगे हैं तो वहां पर कुछ लाभदायक स्थितियों का निर्माण हो सकता है। शायद वह व्यक्ति आपको सामने से प्रपोज करे तो आप हैरान मत होइए, क्योंकि आपके छठे भाव में शुक्र गुरु की युति राहु का भाग्य भाव में उपस्थित होना, यह सभी स्थिति सुख की ओर इशारा कर रही है। इसके साथ साथ आपको प्राइवेट क्षेत्र में भी अच्छी खबर मिल सकती है। यदि आप नौकरी में बदलाव चाहते थे, किसी अच्छी कंपनी में जॉब प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील थे तो वहां से खुश खबरें मिलेगी। आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा। इसके साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण ऐसे भी लाभ आपको मिलेंगे जिनकी शायद आपने कल्पना नहीं की थी। यदि आपने विदेश यात्रा के लिए पहले से प्रयास किए हुए थे तो फरवरी में विदेशी जमीन पर जा सकते हैं। सिंह राशि वालों, जिंदगी का खेल फरवरी में आपको बेहद प्रभावित करने वाला है, लेकिन इसके साथ कुछ किस्म की व्यक्तिगत निराशाएं, सामाजिक स्तर पर कुछ अड़चने रुकावटों का आपको सामना करना पड़ेगा। यदि आप एक परेशानी को हल करेंगे तो दूसरी परेशानी भी सर उठा के खड़ी हो जाएगी, लेकिन उससे आपको घबराना नहीं है, बस प्रयासों पर जोर देते रहिए। फरवरी आपकी आशाओं को पूर्ण करेगा। आप देख रहे थे सिंह राशिफल फरवरी 2023। जय गुरुदत्त, जय गिन्नारी।